Some days pass. Malhar wife said to him, "This house is not enough. I want to live in a castle. I want to be a queen." So Malhar went back to the sea and called the fish. "Oh fish, please grant me a wish." There were big waves in the sea. The fish came and asked, "What is your wish?" "My wife wants to be a queen." "Go back home. Your wish is granted." तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर पास्ट यानी गुजरे यानी कुछ दिन गुजरे और वांट टू लाइव यानी रहना चाहती हूँ और वेव्स के माने यहाँ पर मोजे इन प्लेस ऑफ यानी की बजा और कैस्टल यानी किला नुमा महल। अब किले नुमा महल की यहाँ पर भी ख्वाहिश करती है तो देखते हैं इसकी ख्वाहिश पूरी होती है क्या। कुछ दिनों के बाद वहाँ के मल्हार की बीवी ने उससे कहा, "ये घर काफ़ी नहीं होता, मुझे किले में रहना है, मुझे रानी बनना है." इसलिए मल्हार दोबारा समंदर पर गया और उसने मछली को आवाज़ दी, "ओ मछली, मेहरबानी करके मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो, मेरे ऊपर मेहरबानी करो और मेरी इस ख्वाहिश को पूरी कर दो." तो आइए प्यारे बच्चों, फिर मछली बोलती, "तुम घर जाओ, तुम्हारी ख्वाहिश क्या हो गई है, पूरी हो गई है." इन द कैस्टल His wife sat on a throne of gold and diamonds. She wore a crown. "Are you happy now?" asked Malhar. "We shall see," said his wife. Some days passed. कुछ दिन वापस से गुजर जाते। Malhar's wife called him. "This is not enough for me. Now I want to be a goddess." तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर goddess के माने हैं देवी। देखिए अभी ये अलग अलग ख्वाहिशात यहाँ पर डिमांड कर रही है तो देखते वो फिश इसके ख्वाहिश पूरी करते हैं क्या। तो जब वो मल्हार घर पे आता है तो देखता है कि उसकी बीवी तख्त पर बैठी है और खूबसूरत ताज उसने पहना है। कुछ दिनों के बाद उसकी बीवी ने कहा कि मल्हार की बीवी ने उसे बुलाया, "ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है, मुझे देवी बनना है." "अरे तुम ये क्या मांग रही हो, ये दुरुस्त नहीं है," वो कहता है मल्हार बोला। लेकिन उसकी बीवी गुस्सा हो गई, उसने हुक्म दिया, "मछली के पास फौरन जाओ." और फिर वो फौरन इस तरह से जाता है मछली के पास। अब देखते प्यारे बच्चों कि उसकी ख्वाहिश वो पूरी होती है या नहीं। सम डेज पास मल्हार वाइफ कॉल हिम, "दिस इज नॉट इनफ फॉर मी, नाउ आई वॉन्ट टू बी अ गॉडेस." "वाट आर यू आस्किंग फॉर वाइफ, इट इज़ नॉट राइट," सेड मल्हार। बट हिज वाइफ बिकम एंग्री, गुस्सा हो जाती है। तो उसके बाद गो टू द फिश एट वंस शी ऑर्डर। तो प्यारे बच्चों फिश के पास वापस जाता है और वो ऑर्डर करता है, वो कहता है कि मल्हार वेंट बैक टू द सी एंड कॉल द फिश, "ओ फिश, प्लीज ग्रांट मी ऑन मोर विश." तो वन मोर विश वो बोलता है कि मेरी और एक ख्वाहिश पूरी कर दो। When the fish came, there was a storm in the sea. The fish looked very, very cross. "What is it now?" "My wife wants to be a goddess," said Malhar in a small voice. "Go back home," the fish said. His voice was like thunder and don't come again. अब देखिए प्यारे बच्चों वो ख्वाहिश अपनी जाहिर करता है जो उसको बीवी उसको बताती है। उसके बाद क्या होता है, "ओ मछली, मेरी एक और ख्वाहिश मंजूर करो." मछली बाहर आई, उस वक्त समंदर में तूफान उठा हुआ था और मछली बहुत चिड़चिड़ी दिखाई दे रही थी। "अब और क्या है, मेरी बीवी को देवी बनना है," मल्हार ने दबी दबी आवाज़ में कहा। "घर लौट जाओ," उस मछली ने कहा। उसकी आवाज़ बादलों की गरज की मानिंद थी, "और दोबारा मत आना," वो कहता है कि तुम दोबारा मत आना। तो मल्हार वेंट बैक होम। In place of the big castle, he saw his little hut. His wife had to live in the little hut once again. तो प्यारे बच्चों मछली बोलती है, तुम अभी घर पे जाओ और वापस कभी मत आना। मल्हार पलटकर अपने घर गया। उस किले की जगह पर उसका छोटा सा झोपड़ा दिखाई दिया। उसकी बीवी को एक मरतबा फिर से छोटे से झोपड़े में रहना पड़ा।